भाजपा नहीं हो, हमें कहाँ मिलो कछू ना। नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आज फिर से हम मौजूद हैं माट विधानसभा में। यहाँ बीएसपी के प्रत्याशी पंडित श्याम सुंदर शर्मा के समर्थन में भारी जनसैलाब उमड़ा है। यहाँ लाखों लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं उनको संबोधित करने के लिए। पंडित श्याम सुंदर शर्मा खुद मंच पर मौजूद हैं और यहाँ आए हुए तमाम लोगों से हम बातचीत आपकी कराएंगे, लोगों से उनका मत लेंगे कि किस तरह का उनका रुझान है और किस तरह वो वोट देना चाहते हैं। कुछ समय अंतराल के बाद उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हम जनता से आपकी बातचीत कराते हैं। आइए बातचीत करते हैं और भी लोगों से आपकी। क्या नाम है जी आपका? बालकिशन शर्मा। बालकिशन शर्मा जी, माट विधानसभा में किसका माहौल चल रहा है? मंत्री जी का, मंत्री श्याम सुंदर शर्मा। हाथी निशान। आप इतने 40 साल से एक ही आदमी को विधायक बना रहे हैं, कारण क्या? कारण बढ़िया आदमी, विकास हो रहा है। सबक ही सुने जी। मेरा नाम अंकित पाठक है। क्या माहौल है माट विधानसभा जी? पंडित श्याम सुंदर जी का ही अल्लाह है। यहाँ जो इतनी भीड़ आई है, लगभग कितनी भीड़ होगी? लगभग 50,000 के समथिंग व्यक्ति होंगे और पूरा का पूरा सम्मान माननीय श्याम सुंदर जी का ही कर रहे हैं सब लोग, और हाथी के नंबर को विजयी बनाए। कमल का निशान भी है, साइकिल ढूंढे ना पैरो, यहाँ तो हाथी है भैया। गर्गो साइकिल टूट गई भैया, नंबर पे पूरी उत्तर साइकिल की चैन उतर चुकी है, वो इसीलिए बढ़ नहीं रही है आगे, वो खांचे में गिर गई, इसीलिए हाथी निशान नहीं हुआ। भैया जी ने कराया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे अकेला और अकेला नेता पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी हैं जिन्होंने इतना सारा काम कराया है। यहाँ की सारी जनता की रग रग में पंडित श्याम सुंदर शर्मा बसे हुए हैं। क्या क्या काम कराया? यहाँ सारा जितनी सड़कें और ये जितना भी विकास है सब मनका ही है। जब ये उच्च शिक्षा मंत्री रहे थे तो गाँव गाँव में स्कूल भी खुलवाए ये। अब बेरोजगार पे बीजेपी तो कुछ बात करती नहीं है। अगर बसपा की सरकार बनती है तो एक गांव से 19 बच्चे यूपी पुलिस में ज्वाइन हुए थे। इसी वजह से हम सब लोगों का बस यही कहना है कि अब की बार भी ईमानदारी से बसपा सरकार बननी चाहिए और पूरा का पूरा ईमानदारी से काम होगा। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद। कौन सा गाँव? बहराई। क्या लगता है कि इस बार हाथी दौड़ेगा या फिर कमल का फूल खिलेगा? हाथी 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 देंगे भैया। खूब श्याम सुंदर शर्मा जैसा हवा तो कोई नेता सुना है। निर्दलीय है श्याम सुंदर शर्मा, अपनी जनता से जुड़े हुए हैं। 9वीं बार भी पार होंगे, चाहे कौ पार्टी थे बसपा पार्टी थे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अवधेश कुमार नाम है जी। अवधेश जी, क्या लगता है कि यूथ जो है वो किस तरफ बैठेगा, किस तरफ वोट देगा? देखिए, इस बीजेपी सरकार और अदर सरकारें, इन सभी का माहौल यूथ ने देख लिया है। युवाओं में भारी आक्रोश है मंत्री जी को जिताने के लिए। पूरे युवा मंत्री जी के साथ हैं, आप देख रहे होंगे चेहरे। माट में एक यही चेहरा है जो कि माट का विकास कर सकता है। और भी कोई पार्टियां हैं, अगर बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी का कमल मथुरा में आज तक माट में कभी नहीं खिला है। हाँ, और युवा बस यही चाहते हैं कि हमारे मतलब श्याम सुंदर शर्मा को चाहना है, बाद बाकी और कोई। क्या नाम है जी आपका? रमेश गुजर। आपकी विधानसभा माट? माट जी, जमुना। क्या लगता है कि किसका यहाँ समर्थन मिलेगा? किस पर भैया? बीजेपी तीसरे पे, दूसरे पे हुए आयो और मंत्री जीते को कम से कम 20,000 से 25,000। नरेंद्र कुमार पालीवाल। कमल का फूल की स्थिति और साइकिल की स्थिति किसी से मुकाबला ही नहीं है श्याम का, किसी से मुकाबला। बताए देखा, जब तक कमल का फूल जो बटन दबाया जिसने, तो 400 रुपए का सिलेंडर 1,000 रुपए का हो गया। 2017 में दबाया तो जो है पेट्रोल महंगा हो गया। अब कुल मिला के ये है कि जो बेचारे जो बड़े बूढ़े हमारे वो तो सो रहे खेतों पे, है ना। और योगी जी ने केवल धर्मवाद के नाम पे, जातवाद के नाम पे कुछ नहीं किया। अगर हमारा कोई मुख्यमंत्री है तो इससे अच्छा कोई मुख्यमंत्री ना है। उसमें वो तो योगी जी तो खुद, योगी जी के खिलाफ तो भैया खुद जो 56 मुकदमे हैं। लाल किलो कौन नहीं बनवायो? वो ताजमहल कौन नहीं बनवाओ? जो विदेश अमेरिका जापान फ्रांस के मोदी के बाप ने बनवायो? और कलाम साहब कौन है जो पूरा जीवन देश के लिए निकाल दियो, मिसाइल बनाई कलाम साहब ने। अब मुसलमान हिंदू मुसलमान के मंदिर मस्जिद की दो ही बात रहे यहाँ पे। इस देश को दो लोग तो बेच रहे हैं, दो लोग खरीद रहे हैं। बेचने वाले का नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह, खरीदने वाले का नाम अडानी और ये अंबानी। हम जो है ये बेचारे तो ये सब रहे जो है बेरोजगार हैं, इनकी ड्यूटी केवल सांड और गाय भगाने में जा रही है। और आपके सांड, हमने भी कह दिया सांड गाय खूब भगाओ या मत भगाओ, आपका तुम योग्य भगा दो। स्मार्ट विधानसभा का हाल क्या है? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है। शर्मा जी, माट विधानसभा की बात करें तो बहुत नज़दीक मतदान की प्रक्रिया आ चुकी है, ऐसे में किस प्रत्याशी पर आपका भरोसा है? हमारा भरोसा है पंडित श्याम सुंदर शर्मा पर, जो 8 बार से विधायक हैं और 9वीं बार विधायक होंगे। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार शर्मा।
शर्मा जी, क्या लगता है कि नौवीं बार दोबारा फिर से फतेह होगी? इसमें कोई शक नहीं है, पूर्ण बहुमत से विजयी होंगे शर्मा जी। कारण क्या है कि आप नौवीं बार उनको चुनने वाले? क्योंकि वो सर्वप्रिय नेता हैं और जनता का उनसे विशेष लगाव है, और वो भी जनता को, उनके द्वार पर कोई भी जाता है उसको बड़ी आसानी से जानते हैं, बच्चा बच्चा को जानते हैं। कमल का फूल, साइकिल, हैंडपम्प, ये कहाँ है? अरे ये भैया मार्ट क्षेत्र में कुछ नहीं रहता है, इनका सब सुपड़ा साफ है, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। यानी कि कहने की बात है कि नौवीं बार फिर से परचम लहराएंगे? पूर्ण बहुमत, भैया मैं कह चुका हूँ आपसे, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। क्या नाम है आपका? खजान शर्मा। क्या लगता है मार्ट विधानसभा में युवा किसके साथ? श्याम सुंदर शर्मा जी के साथ। कारण? कारण का सब विकास जो काम है सब वही करा हमें यहाँ के। किस तरह का विकास करा है? पूरा विकास है, स्टेडियम ले लो, नल ले लो, सड़क ले लो, स्कूल ले लो, हर तरीका का विकास हमारे क्षेत्र में। विधान पूरे यूपी में योगी सरकार रही तो कमल पर कोई प्रभाव है? कमल का यहाँ माट में कोई प्रभाव ना है, कमल पर कहूँ प्रभाव होगा पर माट में ना है और ना होगा कबू। यहाँ हमेशा से नौवीं बार यानी कि 45 साल पूरे हो जाएंगे इस बार अगर आपने चुने? नौवीं बार का 20 बार रहेंगे तो गिरेंगे यहाँ, और कब गुण मनना है माट में। यानी सर्वप्रिय नेता? हाँ सर्वप्रिय नेता है माट। आपको जानते हैं? हाँ सब जाने, सब है, एक बच्चों को बच्चा जाने, बच्चों को बच्चा जाते हैं, सातों जात जाने उन्हें। क्या नाम है आपका? हेमराज सिंह प्रधान जी। हेमराज जी, प्रधान जी क्या क्या लगता है कि विधानसभा मार्ट में किन मुद्दों पर चुनाव है? विकास के ऊपर चुनाव है, विकास बहुत अच्छा कराया है मंत्री जी ने, इतिहास विकास हुआ मार्ट में, और कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जो मतलब जनता का काम नहीं किया हो, और हर गांव में हर कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, सीधे संवाद है, सीधे पहचानते हैं, हर कार्यकर्ता हर व्यक्ति को पहचानते हैं पूरे गाँव में, शहर में, हर जगह, और नौवीं बार भारी बहुमत से जीत के जा रहे हैं। आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जीत होगी नौवीं बार उनकी। कमल के फूल का क्या है? कमल का फूल तो मुरझाएगा वो, कमल के फूल को। और साइकिल? साइकिल ऐसी है, अभी तो मामला ऐसे ही चल रहा है, साइकिल टक्कर में है। हाँ दूसरा नंबर पर साइकिल ही है, टक्कर में तो है। लगभग कितने वोटों से जीतेंगे यार? श्याम सुंदर शर्मा की कम से कम 10,000 से ऊपर जीत होनी है। कम से कम 40,000 वोट दे तो, यानी कि हाँ, महिला, बुजुर्ग, युवा सबकी पसंद है? हाँ सबकी। ओके जी, सब सब उनको लाइक करते और सब बिल्कुल ऐसे करीब से जानते सब लोग, बढ़िया आदमी, ठीक है, मजबूत आदमी, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि का वो परेशानी हो आदमी तो कोई ऐसी ना। क्या नाम है जी आपका? निरंजन शर्मा। कौन सा गाँव है आप? गाँव सदरपुर बाजने के पास। विधानसभा आपकी माटी? हाँ माट पड़ाई। तो आपके गाँव में किस तरह का माहौल? गाँव बहुत अच्छा माहौल है, 90% शर्मा जी के लिए। 10% कैसे छूट गया? 10% छूट गए जब गांव में प्रत्याशी खड़ा हो कटेलिया से, क्योंकि उनको परिवार के दो एकाध घर हैं, वो चले जाएंगे 10% में। बाकी अच्छा माहौल है शर्मा जी के लिए। पिछले 40 साल से एक ही आदमी को वोट देते आ रहे हैं, कारण? कारण यही है, विकास ही ना कह रहा हूँ हमारे क्षेत्र में, दूसरा आदमी कोई विकास ही नहीं है, न कोई जानता है, न कोई पूछे, न कोई कोई समस्या के। ओलेवृष्टि है गई तोड़ सके, तीसरे साल है खूब, मतलब भगलिए डीएम तक भगलिए, मंत्री ने कोशिश करी, चूँकि सरकार बीजेपी की तो सर्वे ना होने दी, नुकसान की सर्वे ना होने दी, बिल्कुल जीरो कर दी, और हया की सरसों की खेती हुआ है, सर्वे ना होने दी, इतना बड़ा दबाव हो, और ये कह दी कानूनों ने कि ऊपर से दबाव है सर्वे मत करो, अपने घर बैठ गए, 2 रुपया किसी को, मुआवजे को, काउ को, कैसे कोई, या बीजेपी सरकार ने नहीं मिलन दी हो तो। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश। कौन पसंद है आपको मार्ट विधानसभा प्रत्याशियों में? पंडित श्याम सुंदर शर्मा। क्यों आपको, आप जानते हैं उनको? हाँ जानते हैं, हमारे गांव के एक बार आ चुके हैं वो। अच्छा, और कमल के फूल वाले, साइकिल वाले, ये भी जानते हैं? नहीं ये नहीं जानते हमको, नहीं जानते, नहीं जानते। आपके परिवार से जानता है कोई इनको? श्याम सुंदर शर्मा को? हाँ जानते हैं, हमारे परिवार सब जानते हैं। सुंदर शर्मा जी जानते हैं आपके परिवार वालों को? हाँ जानता है हमारे परिवार वालों को। वोट किसको देगा पूरा गाँव? पूरा गाँव श्याम सुंदर शर्मा, बहुत से अलग, कमल को भी देना चाहते हैं, साइकिल को भी देना चाहते हैं। ज़्यादातर किस पसंद किसकी है? ज़्यादातर श्याम सुंदर शर्मा की पसंद है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतीश। सतीश जी कौन सा गांव है? सदरपुर। क्या लगता है कि इस बार नौवीं बार दोबारा से जीत कर आएंगे? नौवीं बार दोबारा तो जीत के आएंगे, भारी बहुमत से जीत के आएंगे, और कारण सुन लो क्यों जीत के आएंगे, रात के 12 बजे अगर का आदमी काम पड़ जाए मंत्री जी से, तो मंत्री जी वहीं मिलेंगे अपने कोठी पर, वह काम करेंगे, और नेता ऐसे अगर अगर काम देना पड़ जाए तो दबक कर जाएंगे, पाँव में ना आएंगे, मंत्री जी 12 बजे एकदम तैयार ठहरे रहे जनता के संग,
यह है कारण जीतने को। छोटो बच्चा जनानी छोटो बूढ़े आदमी सब बड़क इनसे जुड़े हुए हैं, कहे मतलब के चले संबंध अच्छे हैं। छोटो बड़क इनसे जुड़े हुए है, बड़े बूढ़े जुड़े हुए हैं, सबसे अच्छे संबंध हैं, इनकी पहचान अच्छी। मतलब क्या नाम है जी आपका? रईस खान। रईस खान जी विधानसभा कौन सी? माट माटी लगती है जी। कमल वाले भी आपके पास आए होंगे, साइकिल वाले भी आए होंगे, सबको जानते हो आप? जी सबको जानते हैं। मंत्री जी ने एक बार अपना आशीर्वाद दे दिया था कमल वाले को, उसको ब्लॉक प्रमुख बना दिया था। तो इस बार किस तरह विधानसभा का क्या हाल है? इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है अब तो, बस पंडित श्याम सुंदर। कितना अंतर क्या रहेगा? अंतर बहुत बड़ा अंतर रहेगा, कम से कम 42,000 का अंतर है। अच्छा। कम से कम है 42,000 का। टक्कर तो है ही नहीं? टक्कर तो मान है ही नहीं, कोई कुछ नहीं है, बेकार हैं सब, वैसे ही सब हवा में घूम रहे हैं ये प्रत्याशी जो घूम रहे हैं बाकी, वैसे ही। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अविनाश शर्मा है सर। शर्मा जी माठ विधानसभा क्या कह रही है, यहाँ का वोटर क्या कह रहा है और आपका दिल क्या कह रहा है? देखो जी, हमारा दिल तो ये कह रहा है कि आपकी बार नौवीं बार और श्याम सुंदर शर्मा पार, नौवीं बार विधायक 100% होने जा रहे हैं। उसका कारण एक है कि ये जो जनता आए, जो हम तुम सब हैं, उनकी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम रात के 12 बजे भी फ़ोन करते हैं तो हमारा फ़ोन रिसीव करते हैं। दूसरी चीज़, उनका जनता से इतना लगाव हो चुका है कि हर आदमी को बाई फेस बाई नेम जान चुके हैं वो। तो अब बताओ ऐसे आदमी को हम कैसे छोड़ देते रात के 12 बजे भी हमारा फ़ोन रिसीव कर रहा है। दूसरी चीज़, वो मेरा श्याम नहीं है, आपका श्याम नहीं है, हम सबका श्याम है, और जो हम सबका होता है वो हमेशा विजयी होता है। तो हम सबका है, इसलिए वो श्याम सुंदर शर्मा विजयी होंगे। लोगों ने कहा कि जीवन भर उनको ही वोट देंगे, क्या जादू है ऐसा विधानसभा माठ? देखो, जीवन भर वोट देने का कोई ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई हम कोई उनके लिए गिरवी है। जब वो हमारे काम आते हैं तो एक हमारा भी दायित्व बनता है, एक बार हम उनके भी काम आते हैं, 5 साल में एक बार उनके काम आते हैं, वो हमारे 5 साल पूरी सेवा करते हैं हमारी, हमारे लिए ही काम करते हैं, तो क्यों ना हम एक बार उनका मत दें, उन्हें क्यों ना दें बताओ। विधानसभा वासियों को कुछ कहना चाहेंगे आप? विधानसभा वासियों से यही अपील है हमारी कि श्याम सुंदर शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं, और ये 100% श्योर है श्याम सुंदर शर्मा विजयी होने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मार्च विधानसभा के वोटर्स जिन्होंने अपना रुझान बताया, उन्होंने बताया कि पंडित श्याम सुंदर शर्मा भारी समर्थन के साथ विजयी हो रहे हैं।